हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है सारे ब्लेड एक जैसे ही क्यों होती है। वर्ल्ड में ब्लेड कंपनी बहुत सारे हैं, लेकिन एक जैसे ही क्यों बनाती, अलग अलग भी बना सकती थी, लेकिन एक जैसे ही क्यों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तकरीबन 200 साल पहले लोगों को शेविंग करने के लिए लोहे से बनी तेज धार से मदद लेते थे। जिस तरह समय बीतता गया, उसी तरह लोगों का शेविंग करवाने का स्टाइल भी बढ़ता गया। आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ। 1901 में जिलेट कंपनी ने अपना पहली बार शेविंग ब्लेड लॉन्च किया और साथ ही साथ लेजर भी लॉन्च किया था। जिलेट कंपनी ने जब अपना लेजर बनाया तो लेजर के अकॉर्डिंग ब्लेड का शेप दिया गया, ताकि लेजर में ब्लेड सही से फिट हो सके, जिसकी वजह से ब्लेड के बीच में ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है। लेकिन जिलेट कंपनी ने अपना लेजर और ब्लेड बनाया तो ब्लेड का 25 साल के लिए एग्रीमेंट करा लिया। अब प्रॉब्लम थी दूसरी कंपनियों की। दूसरी कंपनी लेजर बना सकती थी, लेकिन उन कंपनियों को जिलेट का ही ब्लेड को यूज करना पड़ता था। तो दूसरी कंपनी ब्लेड को जिलेट के रेजर के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता था। पर 25 साल बाद पूरे होने के बाद भी कंपनी ने अपनी बेनिफिट को देखते हुए इस ब्लेड का शेप को नहीं बदला, और आज तक इस ब्लेड का शेप चलता आ रहा है।